समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी रही। आजम खां के यहां छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी भड़क गई है और इसे आजम खां पर अन्याय बता रही है। सपा सरकार में मंत्री रहे जिन आजम खान की यूपी की सियासत में कभी तूती बोला करती थी, आज उन पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है। एक के बाद एक कई मामलों में उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने आजम खान के रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कहना चाहते था, हमें तो भी पता चला था, शहबाज शेख साहब उनके घर पे पुलिस उसकी आयकर विभाग की छापा पड़ा हुआ है। हमें तो हंसी आ रही है, इनपे कहाँ पैसा रखा हुआ है कि समाज से भी आदमी इनको पैसा होता तो अलग दिखता पैसा होगा। जैसा तैसा तो करके अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, चला रहे हैं पब्लिक के लिए, जनता को पढ़ाने के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इनका पैसा होता तो और कुछ काम नहीं करते। ये आलीशान होटल होते, बागात होते, फार्म हाउस होते, वो है पैसा, ये पैसा थोड़ी है। अब जो हो रहा है वो तो सब दिख ही रहा है, गलत हो रहा है। आजम खान के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी से यूपी की सियासत गर्म हो गई। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आरोप है कि बीजेपी आजम खान का उत्पीड़न कर रही है। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया का कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डराने का काम कर रही है। देखिए, ये खुला हुआ जुल्म और ज़्यादती है आजम खान के साथ। ठीक है, अगर उनकी निगाह में कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें, लेकिन ज़्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ, मतलब ये कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। घोषी चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं, लेकिन जनता ने तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। यूपी की सियासत के कद्दावर नेता रहे आजम खान पर चौतरफा कानूनी शिकंजा कस रहा है। इनकम टैक्स की टीम ने आजम खान के घर और ठिकानों पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट और खातों की जांच की। ऐसे में देखना यह है कि अगर इनकम टैक्स की टीम को आजम खान के यहां कुछ मिलता है तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है, और अगर कुछ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल जाएगा। के आजम खान के जो मिलने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नसीर खां, उनके घर पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, साथ ही आजम खान के जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, और ये जो है गाड़ी खड़ी हुई है यहां पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है यहां पर, भारत सरकार आयकर विभाग जो है यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां लंबी कार्रवाई यहां पर चल रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ईडी भी इस कार्रवाई में साथ है, किस तरह की ये कार्रवाई चल रही है, आय से अधिक संपत्ति की ये कार्रवाई है, लेकिन फिलहाल एक कार्रवाई देखते हुए आजम खान पर फिलहाल दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रामपुर सैयद आमिर, जी मीडिया।